नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रेशम खानू। स्वागत है आप सभी का सियासी हलचल में। देश में लोकसभा चुनाव के दो चरण की वोटिंग समाप्त हो चुकी है। हालांकि इसके बाद भी कुछ सीटें ऐसी हैं जहां अभी तक कई राजनीतिक दलों ने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान ही नहीं किया है। और ऐसी ही दो सीटें हैं, उत्तर प्रदेश की अमेठी और रायबरेली लोकसभा सीट। वहीं राहुल गांधी और सोनिया गांधी की परंपरागत सीट मानी जाने वाली अमेठी और रायबरेली पर कांग्रेस प्रत्याशी के नाम का सभी को बेसब्री से इंतजार है, लेकिन कांग्रेस अभी तक इस मामले पर चुप्पी साधे बैठी है। हालांकि प्रियंका गांधी के पति और राहुल के जीजा रॉबर्ट वाड्रा लगातार हिंट दे रहे हैं कि वह सक्रिय राजनीति में एंट्री कर सकते हैं। वहीं सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि वे अमेठी से चुनाव भी लड़ सकते हैं। और ऐसा ही कुछ उन्होंने शुक्रवार 26 अप्रैल को भी अपने बयानों में कहा। तो आइए पहले देखते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। देखिए, पूरे देश से पुकार है कि मैं सक्रिय राजनीति में आऊं, पर ये है क्योंकि मैं देश के लोगों के लिए हमेशा निकलता हूं, लोगों के बीच में रहता हूं। मैंने 1999 से वहां प्रचार किया, लोगों के बीच में रहा और 2004 में भारी बहुमत से सोनिया जी को जिता के लाए। वहां के लोग हमेशा चाहते हैं कि मैं उनके साथ उनके क्षेत्र में आऊं, और जो स्मृति ईरानी जी जो सांसद है वहां की, वो जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। उनको लगा है कि जब भी स्मृति ईरानी जी ने संसद में मेरा नाम इस्तेमाल किया वो बेबुनियाद था। कोई आरोप जो लगाए वो उसको प्रूव नहीं कर पाए, और वो हमेशा, मैंने उनको चैलेंज भी किया अपने सोशल मीडिया के द्वारा। मैंने बोला कि अगर कुछ भी गलत होता है, अगर मैं किसी व्यक्ति से मिलता हूँ तो वो आरोप को प्रूव करे, नहीं तो मतलब वो बिल्कुल बेबुनियाद ऐसे इल्जाम ना लगाए। कांग्रेस की स्थिति क्या है इस समय? आप देख रहे हैं, जो पहला फेज था जरूर कांग्रेस के हित में गया, और सेकंड फेज भी लोग बदलाव चाहते हैं और ये बदलाव का समय है, और वो देख रहे हैं राहुल और प्रियंका की जितनी मेहनत है वो उसको समझ रहे हैं, और वो बदलाव है और वो गांधी परिवार के साथ है। आज द्वितीय चरण का चुनाव हुआ है, क्या लग रहा है देख करके कि यूपी में किस तरह का रिस्पांस मिलेगा? जरूर अच्छा मिलेगा, लोगों को बदलाव चाहिए, लोगों को ये जो डर है और जो भय सब में डाला हुआ है, जो कोई भी अगर व्हाट्सएप करता है या कोई भी कुछ बोलता है तो उनको लगता है कि कोई ना कोई उनके ऊपर आफत पड़ी आएगी। और जैसे ये ईडी और जो अलग अलग दुरुपयोग होता है एजेंसियों का, उससे लोगों को छुटकारा चाहिए। दरअसल इस बात की चर्चा चल रही है कि रायबरेली से प्रियंका गांधी और अमेठी से राहुल गांधी को मैदान में उतारा जा सकता है। हालांकि इसकी अभी तक ऑफिशियल घोषणा नहीं की गई है। वहीं राहुल केरल की वायनाड सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, जहां दूसरे चरण में वोटिंग भी हो चुकी है। वहीं पिछली बार भी उन्होंने वायनाड और अमेठी दोनों ही जगह से चुनाव लड़ा था। वहीं बात 2024 की करें तो अमेठी में अब लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण के तहत 20 मई को वोटिंग होगी। तो अभी के लिए इतना ही, कल फिर जुड़ेंगे सियासत से जुड़ी हलचल सियासी हलचल में। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे N27 न्यूज। आचार्य संतोष संतोषी के आगामी कार्यक्रम लखनऊ 4-5 मई। 6 मई से आप आचार्य श्री से गाजियाबाद में मुलाकात कर सकते हैं। इंदौर 20-21 मई, पुणे 22-23 मई, मुंबई 25-26 मई, राजकोट 27-28 मई, अहमदाबाद 29-30 मई, उदयपुर 1-2 जून। इन तारीखों के अलावा बाकी तारीखों में आप गाजियाबाद मिलने का समय ले सकते हैं। मिलने के लिए कार्यालय के नंबर्स हैं 9910291850, 9560447000। आप इन नंबर पर अपना नाम और शहर का नाम लिखकर व्हाट्सएप करते हैं। धन्यवाद। N27 न्यूज़, पकड़ हर खबर पर।